और बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां किशोराय पाटन कृषि उपज मंडी का सचिव रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। एसीबी ने नरेंद्र सोनी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है और लाइसेंस जारी करने की अवज में ये रिश्वत की डिमांड की गई थी। एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद ने कार्रवाई को अंजाम दिया और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसने इस रिश्वत की मांग की और लाइसेंस जारी करने के अवज में ये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई और किशोराय पाटन कृषि उपज मंडी का सचिव रिश्वत लेते ट्रैप हो गया। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है और ऐसे में लाइसेंस जारी करने के अवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसको बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैप कर लिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नवीन, कब इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, फिलहाल एसीबी ने अभी कुछ देर पहले इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो कृषि उपज मंडी केशवराय पाटन है उसका सचिव नरेंद्र कुमार सोनी को एसीबी ने 25,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवार ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका एफपीओ के लिए माल खरीदने के लिए एक लाइसेंस जारी होता है जो मंडी सचिव जारी करता है, और उस लाइसेंस को जारी करने की एवज में जो नरेंद्र कुमार सोनी है वो उससे 30,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। तो एसीबी ने इसका अपनी वेरिफिकेशन करवा और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो आरोपी घूसखोर है वो एसीबी की गिरफ्त में है। एसीबी के डिप्टी एसपी ज्ञानचंद मीणा है, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई बूंदी के केशवराय पाटन में की जा रही है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसीबी के कार्रवाई की जीएमएस प्रियदर्शी और आईजी सवाई सिंह गोदार इस पूरी कार्रवाई के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। अब एसीबी उनसे भी पूछताछ कर रही है, हो सकता है इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन फिलहाल एसीबी ने जो केशवराय पाटन जो कृषि उपज मंडी है उसके सचिव नरेंद्र कुमार सोनी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों और दस्तावेजों को जब्त किया है। उनके आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो घूसखोरी का धंधा है ये कब से कर रहा था नरेंद्र कुमार सोनी और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी आयुषी जी, नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।